उधर झरिया के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के पुराने प्राचार्य आबिद हुसैन जैसे कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। उन्हें ना विभागीय ट्रांसफर ऑर्डर की परवाह है, ना बच्चों के लिए चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन से, और ना ही उन्हें ग्रामीणों की शिकायत से कोई फर्क पड़ता है। तभी तो जब नए प्रिंसिपल पदभार संभालने स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल के गेट पर उन्हें ताला जड़ा मिला। फोन कॉल और घंटों के इंतजार के बाद भी आबिद हुसैन नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि मध्याह्न भोजन और अन्य सुविधाओं में गड़बड़ी को लेकर आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकी पूर्व प्राचार्य देते हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। आज जाने पदभार क्यों नहीं मिल रही है? जिला शिक्षा अधीक्षक 8 अगस्त को लेटर निकली थी, जिसको लेकर मैं 14 अगस्त को विद्यालय में योगदान दिया हूँ। उस दिन मुझे बोला गया कि मैं एक दो दिन में आपको चार्ज दे दूंगा। मोहम्मद आबिद हुसैन अंसारी जो निवर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वो 17 तारीख को सीएल में चले गए हैं। सीएल की स्वीकृति नहीं है उनके पास। किनको विद्यालय संचालन के लिए दिए उनका पता नहीं। किन्हीं को कोई विद्यालय संचालन नहीं, विद्यालय बंद रहती है। मैं दरवाजे के पास